हाँ प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास के लिए जो हमारा विषय है वो श्रेष्ठ नागरिक शास्त्र, और जिसके अंतर्गत खंड है जिसमें दूसरा चैप्टर है स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी एंड फ्रीडम। बच्चों, स्वतंत्रता शब्द, ये स्वतंत्रता आया कहाँ से, ये स्वतंत्रता की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, जो स्वतंत्रता शब्द है ये किस दार्शनिक ने, किस वैज्ञानिक ने, किस समाजशास्त्री ने दिया था स्वतंत्रता। जीवन का संसार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो लिबर्टी होती है। मनुष्य के जीवन में यदि लिबर्टी नहीं है तो मनुष्य जो है वो मृतक के समान है। जब तक व्यक्ति को फ्रीडम नहीं होगी वो कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता है। तो स्वतंत्रता का जो प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो जनक माना जाता है वो एज ए रूसो था। रूसो फ्रांस का बहुत बड़ा दार्शनिक था और उसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा दिया था। ये क्रांति 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति का फाउंडर, फ्रांस की क्रांति का उन्नायक, फ्रांस की क्रांति का नेता, जो वास्तविक कर्णधार था, जिसने उसका आधार स्तंभ तैयार किया था, वो रूसो ही था। रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता का जनक होते हुए उसने ये कहा था कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यानी उसे जो जंजीर हैं वो जकड़ लेती है। अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ निहित है, व्यक्ति कैसे स्वतंत्र रह सकता है। रूसो ने प्राकृतिक जो प्रकृति की दशाओं का वर्णन किया कि प्रकृति में मनुष्य किस प्रकार से रहता था, उसका जो दिनचर्या थी वो किस प्रकार की थी, ये रूसो ने बताया। और ये कहा कि प्रकृति में मनुष्य जो था वो घूमता फिरता था, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पर दूसरे का प्रतिबंध रहता था, अर्थात दूसरा उसकी स्वतंत्रता को छीन सकता था। क्योंकि उस समय एंशिएंट पीरियड के अंतर्गत कोई लीगल नहीं था, गवर्नमेंट नहीं थी, स्टेट नहीं था, सॉवरेंटी नहीं थी जिसको स्वतंत्रता की रक्षा कर, प्रोटेक्शन कर सके। अब प्रोटेक्शन कौन करेगा, प्रोटेक्शन वो की जो एक सर्वोच्च शक्ति है। अब भारत के अंतर्गत यदि हम बात करने लगें कि हमारी स्वतंत्रता किस प्रकार निहित है, यानी स्वतंत्रता को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है, तो बच्चों प्रत्येक व्यक्ति कानून के उसमें बंधा हुआ है। यानी अगर हम ये कह दे जाए भाई किसी व्यक्ति के उसके अधिकारों का हनन कर लेना, किसी व्यक्ति की संपत्ति का हनन कर लेना, या कहीं भी आप आने जाने घूम सकते हो, तो एक कानून के दायरे में। अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति को कानून के समक्ष, यानी कानून के उद्देश्यों का, कानून के कर्तव्यों का, कानून की उसका पालन करने के साथ ही स्वतंत्रता बनाए रखनी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति का एक असीम अधिकार है, लेकिन असीम अधिकार होते हुए उस पर कुछ जो है वो प्रतिबंध हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वतंत्र व्यक्ति का मतलब ये नहीं है वो सभी किसी की प्रॉपर्टी का हड़प ले या किसी पर किसी अधिकार बना ले, वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कानून के दायरे में रहकर व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है। हमारे जो इंटरनली लीगल हैं, एक्सटर्नल लीगल हैं और इंटरनेशनल लीगल हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में कानूनों का दायरा असीमित है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्र व्यक्ति वही होता है
जो कानूनों का पालन करता है, कानून के दायरे में रहकर, कानून की मर्यादा में रहकर ही अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। तो ये चीज़ मैंने बताई। और प्राकृतिक स्वतंत्रता के और भी उन्नायक हैं, जैसे जॉन लॉक हैं। लॉक ने स्वतंत्रता के बारे में कहा, हॉब्स ने भी स्वतंत्रता के बारे में बताया। और दो प्रकार की स्वतंत्रता होती है, देखिए आज मैं बताता हूँ आपके लिए। एक तो स्वतंत्रता होती है यहाँ पर, स्वतंत्रता के वैसे तो कई प्रकार हैं, तो एक जो मेन होती है वो होती है नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। पहले ये समझिए नकारात्मक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। द नेगेटिव फ्रीडम एज लिबर्टी एंड सेकेंड पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता का जो मीनिंग है वो पॉलिटिकल उससे है, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका जो दूसरा मीनिंग है वो राजनीतिक स्वतंत्रता से। और इसका जो मतलब है वो सामाजिक स्वतंत्रता से, सामाजिक। सामाजिक स्वतंत्रता यानी हमारे पूरे विश्व के अंतर्गत दो प्रकार की स्वतंत्रता पाई जाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं, नेगेटिव स्वतंत्रता किसे कहते हैं, कि जब व्यक्ति को अपने राज कार्य में लिबर्टी हो, यानी राज से संबंधित व्यक्ति को इक्वल राइट होना चाहिए। जैसे सरकार के कार्य में इंटरफेयर, सरकार के कार्य में डिवोटेड रहना, सरकार के कार्य में पार्टिसिपेट करना और उसके अधिकारों का कानून के दायरे में रहकर प्रयोग करना। अब नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं, जैसे नंबर एक क्या है, इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार है, का अधिकार। खैर मत देने का अधिकार, का अधिकार। गै सरकार की आलोचना करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, अधिकार। यह सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। सरकार की आलोचना, हड़ताल करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार। अर्थात ये नेगेटिव स्वतंत्रता इसलिए है कि इसमें जो है व्यक्ति को सरकार के बारे में, यानी सरकार की सभी पार्टों के बारे में वो प्राप्त कर सकता है, यानी सरकार की आलोचनाएं भी, सरकार से जो उसकी अपेक्षाएं हैं
उसको भी कर सकता है, तो ये नकारात्मक में आता है। तो ये चीज़ मैंने आपको ये बताई। दूसरी जो होती है वो सकारात्मक पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव जो वो है फ्रीडम है, उसमें क्या क्या आता है। अब हम चलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर। सकारात्मक में समाज से संबंधित आती है, सकारात्मक में स्वतंत्रता, क्या सामाजिक स्वतंत्रता, क्या धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, गै आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, गै विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नेक्स्ट आवागमन की स्वतंत्रता, गमन की स्वतंत्रता, कानूनी, और दूसरे इसके अंतर्गत जो समाज से संबंधित है, यानी जो समाज में जो डेली प्रत्येक दिन जो घटनाएं घटती हैं, वो समाज के अंतर्गत बोलने चालने रहने और उसके समाज के अंतर्गत अपनी जो है सुरक्षा, ये सारी स्वतंत्रताएं जो है वो समाज के अंतर्गत, वो सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है और नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक और राजनीति संबंधित आती है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपके लिए कि राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता विदेशियों के लिए ही नहीं है। जो विदेशी नागरिक है, यानी जो विदेश का व्यक्ति है और भारत में रह रहा है, विदेशी नागरिक को राजनीतिक अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, यानी वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता है और वो इस पद को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में जो कोई विदेशी नागरिक है, ना तो वो चुनाव लड़ सकता है, ना ही वोटिंग कर सकता है, ना ही सरकारी पद प्राप्त कर सकता है, ना ही सरकार की आलोचना कर सकता है, ना ही स्ट्राइक कर सकता है। अर्थात किसी विदेशी नागरिक को भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता से परे है, वंचित किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सरकार के मामले में दखलंदाजी से परे है, यानी वो सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकता, यानी उसको राजनीतिक पद भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये हमारे देश के संविधान के अनुसार है। भारत का संविधान विदेशी नागरिकों को नकारात्मक स्वतंत्रता से वंचित करने की अवधारणा देता है, यानी हम संविधान के अंतर्गत हैं। संविधान जो कहता है
वो सर्वोपरि है, क्योंकि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को ही राजनीतिक और नकारात्मक स्वतंत्रता दी है। हाँ, इतना अवश्य है कि किसी भी विदेशी नागरिक को सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी विदेशी जो भारत में रह रहा है उसके लिए सकारात्मक स्वतंत्रता को वो प्रयोग कर सकता है, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता उसके लिए है, यानी वो समाज के अंतर्गत रह सकता है, धर्म भी अपना सकता, कोई व्यापार भी कर सकता है, विचार भी दे सकता है, आवागमन भी कर सकता है, लेकिन कानूनन स्वतंत्रता भी उसको है, यानी उसको लीगल भी है, यानी कानून के रूप में वो अगर उसके खिलाफ किसी ने वो किया है तो वो कोर्ट में जा सकता है, यानी उस पर जो है जो न्यायालय है न्यायालय में जाने की लिबर्टी है। तो इस प्रकार से किसी विदेशी नागरिक को भारत में रहने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं है, उसको वंचित कर दिया गया है। तो इसलिए वो प्राकृतिक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता, ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो ये चीज़ मैंने आपके लिए बताई। दूसरी एक मैं नेचुरल जो स्वतंत्रता बता रहा हूँ, प्राकृतिक स्वतंत्रता, क्योंकि मनुष्य बेंथम ने कहा था कि मनुष्य जो है दो संप्रभु शक्तियों के बीच है, सुख और दुख के बीच, दो स्वामियों के बीच रहता है, जो सुख और दुख, प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता, देखिए बच्चे, जो प्रकृति द्वारा मनुष्य के लिए जो लिबर्टी दी गई है उस पर प्रतिबंध नहीं है, प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, यानी प्रकृति से जो चीज़ यहाँ पृथ्वी पर है, जो हमारे एनवायरनमेंट में है, उसका यूटिलाइजेशन एवरी मैन कर सकता है, उसके लिए नो ऑब्जेक्शंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में उसका प्रावधान है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने नेचुरलिटी और जो हमारे जो प्राकृतिक स्वतंत्रता के जो रूसो हैं उन्होंने कहा है कि प्रकृति से जो मनुष्य को स्वतंत्रता है उसका सेवन, उसका प्रयोग कर सकता है और उसको वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे देश के अंतर्गत कुछ ऐसी वो हैं, ऐसे पद हैं जिनको पद पर रहते हुए स्वतंत्र रूप से रखा जा सकता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, यानी जो सिविल मामले में, फौजदारी मामले में सिर्फ और उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको स्वतंत्र छोड़ा गया है। जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर, सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर को इनसे कुछ छूट है, एक्सटेंशन है इसके लिए। तो इस प्रकार से जो हमारी स्वतंत्रता हैं वो एक महत्वपूर्ण है, और जितने दार्शनिक हुए हैं इसमें कांट है, हीगल है, और ये हॉब्स है, लूक लॉक है, रूसो है, इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में लिखा है कि स्वतंत्रता है एक मनुष्य का अपना एक अधिकार है, इसको वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरी आर्टिकल अनुच्छेद 21, जो अनुच्छेद 21 है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 ये कहता है कि कोई सा भी अनुच्छेद फ्लॉप हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए, या इमरजेंसी लग जाए,
लेकिन 21 आर्टिकल, नो ऑब्स्ट्रक्शन, नो फ्लिप्स, और किसी भी कंडीशन में इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात 21 अनुच्छेद वो अपने बरकरार बना रहेगा। इसमें अनुच्छेद 21 में क्या है, ये इसमें जीवन का अधिकार है, किसी व्यक्ति के जीवन को छीन नहीं सकते। तो ये अनुच्छेद 21 जो है, इसमें एक और आर्टिकल 21 के में एक जोड़ दिया गया है कि आप किसी भी उससे मैरिज कर सकते हैं। इसमें ये भी दिया गया है 21 में, वो उसके लिए भी फ्रीडम है। इसके लिए आवागमन का भी इसमें खे में वो वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा राइट है, ऐसी स्वतंत्रता है कि जिसमें किसी भी उस कंडीशन में इसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर 21 आर्टिकल छिन जाएगा तो प्रत्येक मनुष्य जो है वो मृत हो जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान ने 21 अनुच्छेद की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन किया है। इस पर आँच नहीं आएगी, पूरा विश्व, पूरे भारत में कुछ भी हो जाए, लेकिन अनुच्छेद 21 समाप्त नहीं होगा। बाकी जितने भी आर्टिकल हैं वो एबोलिश हो सकते हैं, ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो ये आर्टिकल वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल इन 21 अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिबर्टी। तो ये चीज़ मैंने आपको बताए हमारी स्वतंत्रता पर। जैसे आर्टिकल 19 अनुच्छेद 21 सॉरी अनुच्छेद 19 जो अनुच्छेद 19 है ये प्रेस की आज़ादी देता है। प्रेस, इसमें 7 स्वतंत्रता है। ये प्रेस जो है वो आर्टिकल 19 में है। जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, उसको संविधान ने पूरी लिबर्टी दी है। इसके अंतर्गत 7 स्वतंत्रता आती हैं, 7 स्वतंत्रता। और इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। जो हमारे अनुच्छेद है, ये जो प्रेस है, जो प्रेस जिसे मीडिया बोलते हैं, मीडिया, ये अनुच्छेद 19 में आता है। और इसको किसी भी कारणों की दशा में इसको प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। प्रेस को आज़ादी के, वो किसी के भी खिलाफ, प्रेस किसी भी खिलाफ, मीडिया किसी के खिलाफ भी बोल सकती है, वो अपने बात को रख सकती है, चाहे सरकार सत्तारूढ़ हो या असत्तारूढ़ हो। वो सत्तारूढ़ सब सरकार के खिलाफ भी बोल सकती है और विपक्ष के खिलाफ भी बोल सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रताओं की आज़ादी देता है। स्वतंत्रताओं का एक प्रकार से संजीवनी है, कल वृक्ष के समान हैं, एक प्रकार से मनुष्यों के संकट मोचन के समान हैं जो अनुच्छेद 19 है। और इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार से ये मनुष्य का एक अमोघ अधिकार है, अमोघ शक्ति है उसके पास, जिसको प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान के अंतर्गत निहित है। अर्थात ये अगर प्रतिबंधित किया जाता है तो संविधान प्रतिबंधित है। यानी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगता है तो आप जो है संविधान को डिस्ट्रॉयड करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात संविधान की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए स्वतंत्रता का प्रत्येक मनुष्य पालन करता है।
तो इस प्रकार से हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं, जो मानवकृत, जो मानवीय रूप में जो नेचुरल जो हमारी लिबर्टी है और इकोनॉमिक लिबर्टी है, ट्रेड लिबर्टी है और सोशलिंग लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस लिबर्टीज, एवरी मैन इज फ्रीडम इन एवरी लिबर्टी इन 19 आर्टिकल अंडर 7 लिबर्टीज द यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी मैन। तो प्रत्येक व्यक्ति को इन स्वतंत्रताओं को यूज करने, प्रयोग करने और अपने अवसर, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको वो यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मनुष्य के अधिकार की आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित कर, मोटिवेट कर, मोटिवेशन करती है। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्रताओं के बारे में मैंने बताया। दूसरा, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति का जो, उसमें अमेरिका की क्रांति में तीन बात थी, फ्रांस की क्रांति में भी तीन बात थी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट था उनमें। जो अमेरिका अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन हुई, अमेरिका में जो स्वतंत्रता की जो बात आई, अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा जो वहाँ पर घोषणा में जो बात आई, वो नंबर एक उन्होंने जो कहा था, स्वतंत्रता, नंबर दो समानता, नंबर तीन सुरक्षा। यानी ये अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो 1776 में की गई थी, ईस्वी में ये की गई थी, तो ये नारे दिए गए थे उसमें। और इसका जो खाका तैयार किया था वो थॉमस जेफरसन था। थॉमस जेफरसन, फरसन, इन्होंने ये नारे दिए थे, ये स्वतंत्रता, ये जो मानवाधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस, जो मानवाधिकारों के दिवस 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। तो इस प्रकार से ये जो अधिकार थे, स्वतंत्रताएं थी, तो ये जो उस समय क्रांतियाँ हुई थी उनमें दिया गया था। जो रूस की रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें रोजगार की बात कही गई थी, रोटी रोजी की बात कही। जो रूस की क्रांति, जो रूस रिवॉल्यूशन हुआ था, रूस की क्रांति में रोटी रोजी की बात की, यानी ये चीज़ होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो लड़ाई थी वो इसके ऊपर थी, क्योंकि संपूर्ण अधिकारों का जो वर्ग था वो राजा का वर्चस्व रहता था। तो इस प्रकार से ये उसके अंतर्गत थी। तो इस प्रकार से मैंने ये स्वतंत्रता वाला लेसन ये बताया, इसी मैंने प्राकृतिक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता, इनके बारे में बताया। अब मैं इसके लिए क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए कुछ, तो वो आप करके लाएंगे। प्रश्न एक, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता से
आप क्या समझते हैं? समझते हैं क्वेश्चन दो, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करें करें। प्रश्न तीन, स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? होती हैं, वर्णन करें। प्रश्न चार, नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन करके लाएंगे आप, अगले टर्न में फिर बताएंगे। धन्यवाद।